आज हमारी आखिरी छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि ये छुट्टी अपने गांव में, जिसे हमारी जबान हिंको में सेत या कठा कहते हैं, उसमें गुजार देते हैं। इस बहाने गाड़ी की सर्विस भी हो जाएगी और कुछ देर हमें गर्मी का एहसास भी कम हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पानी से बेहतर ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं है, इसलिए हमने रुख किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे, और आज चूँकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से आज गर्मी का तोड़ निकालने के लिए और गाड़ी की सर्विस भी करवानी थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं और ख़ुद भी नहा रहे हैं, और गर्मी शिद्दत में काफ़ी कमी का एहसास हो रहा है यहाँ पर। जब से मैं आया हूँ तो गर्मी बहुत कम मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सारा दिन बाज़ार गया हुआ था, मानसरा में था, ऑफिस में था, तो बैंक में मेरा काम वगैरह थे, वो करने के बाद बहुत शदीद किस्म की गर्मी लग रही थी। तो अभी यहाँ आने के बाद मुझे यकीन जाने बहुत ही एक ज़बरदस्त एहसास हो रहा है। अरे आते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी गाड़ियों को लेके, और ये अभी हमारी गाड़ी भी सर्विस हो रही है और साथ साथ हम खुद भी ज़रा एंजॉय। हम लोग पहले तो काफ़ी यहाँ पे आते थे, आज मैं काफ़ी अर्सा के बाद यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि आज यकीन जाने विजर आज गर्मी ने मुझे बहुत सताया, और मुझे दोस्तों ने कॉल की कि हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। मैंने भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि चले मुझे भी वहाँ पे जाके कुछ लम्हे गर्मी के मौसम में इंजॉय करने के लिए मिलेंगे, और कूल और नॉर्मल वेदर मुझे मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे वाकई में ये एहसास हुआ कि मैंने अच्छी चॉइस की है और अच्छी लोकेशन पे आया हूँ। दोस्तों, ये माहौल और ये सब कुछ, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम गांव में रहने वाले लोगों को अवेलेबल है। शहरों में ये चीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है, और यही फ़र्क है जो शहर और देहात की ज़िंदगी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड भी होते हैं। हमें अगर गर्मी लगती है तो हमें उसका तोड़ भी अल्लाह पाक ने दिया है, हम पानी का रुख करते हैं, और हमें यहाँ पर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मानसरा में अल्लाह पाक ने बहुत सी ऐसी लोकेशन हैं कि जहाँ पर जाके बंदा बिल्कुल भूल जाता है कि आप गर्मी का एहसास है। ये गर्मी के दिन आप भूल जाएंगे कि आप ये गर्मी के दिन हैं, जाके सर्दी। अगर आप भी यहाँ आके एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गांव साढ़े सारा आना पड़ेगा, और साढ़े सारा आने के बाद आप बहारे मदीना होटल के पास आएंगे, और वहाँ से बिल्कुल सामने की तरफ ऊपर रास्ता जाता है, और वहाँ से आप जैसे ही एंटर होंगे तो आप इस सेत में एंटर हो जाएंगे। कहीं जाने की वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मुझे अब से बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल फूल फील कर रहा हूँ। तो मेरा देखना चाहता है कि अभी कुछ मज़ीद टाइम यहाँ पे गुजारूँ, क्योंकि गाड़ी में सर्विस होने में भी टाइम है, तो तब तक इंशाल्लाह वहाँ पे ही टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन आपके साथ ही शेयर करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि ये वाला नाला आजकल के दिनों में काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, तो जैसे ही बारिश शुरू होती है तो यहाँ पर जो भी लोग होते हैं तो उन्हें यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अचानक से पता नहीं होता, यहाँ पे बारिश नहीं होती, तो पीछे जहाँ से ये नाला बह के निकल रहा है
तो उन इलाकों में बारिश शुरू हो जाए तो अचानक से इसमें तबियानी आ जाती है और जो कि बारिश से नुकसान हो सकता है। ये नन्ना शाहजैन है और पूछने पे बताया गया कि इसे भी गर्मी सता रही थी, इसलिए इसने भी यहाँ ही पानी का रुख किया और खूब एंजॉय करता रहा। दोस्तों माशाल्लाह कुदरत के ये हसीन नज़ारे देख के इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह पाक ने हमारे इलाके को कुदरती हुस्न से माला माल किया है। सर्विस के बाद गाड़ी माशाल्लाह खुश्क हो रही है। दोस्तों जब मैं यहाँ एंटर हुआ था तो बहुत सख्त धूप थी और शदीद गर्मी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बादलों ने घेरा डालना शुरू कर दिया है तो लग यही रहा है कि आज तो गाड़ी की सर्विस वगैरह हो गई और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कूल डाउन हो गए। तो अब इंशाल्लाह रुख करते हैं घर की तरफ। तो अपना ख्याल रखिएगा, आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए आप मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।